सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविज इंडिया को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी कनेक्टेड वाईफाई पर किसी दूसरे यूजर को या किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट यूज करने से रोक सकते हैं या सिंपली आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एडमिन होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप कॉलेज की वाईफाई यूज कर रहे हैं या कोई भी वाईफाई यूज कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं दूसरा डिवाइस जो है या दूसरा यूजर जो है वो इंटरनेट यूज ना कर पाए, तो बड़े ही आसानी के साथ आप ये कर सकते हैं और इसके लिए आपको एडमिन होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पे मैं ये सिस्टम आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है और कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है। बड़े ही सिंपली, बड़े ही आसानी के साथ आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसका आप मिसयूज ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोविज इंडिया। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग google.com ओपन करेंगे और गूगल ओपन करके यहाँ पे टाइप करेंगे नेटकट। तो नेटकट टाइप करके जब आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके अगर आप आते हैं तो सीधे इस पेज पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड नेटकट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और पेज को नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे नेटकट जो है 64 बिट का है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप नेटकट को डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी हम लोग इस लिंक को ओपन करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है। तो ये रहा सॉफ्टवेयर, तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये वेब पेज आ गया है। तो इस वेब पेज में आपको सारा डिटेल दिखाई देगा। पेज को नीचे करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जितना डिवाइस कनेक्टेड है वाईफाई राउटर के साथ सारा डिवाइस दिखाई दे रहा है। तो सबसे नीचे यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ये ZTE का मेरा राउटर है। यहाँ पे IP एड्रेस और नीचे MAC एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा लैपटॉप है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, राउटर के साथ वाईफाई से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे IP एड्रेस और MAC एड्रेस है। तो अभी हम लोग पेज को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा एंड्रॉयड डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है और उसके ऊपर एक दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्टेड है और उसके ऊपर सबसे पहले एक तीसरा एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग किसी भी एक डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस करने से रोक के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इस डिवाइस पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो ऑपोसिटी है ऑपोसिटी को आप कम कर दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा। पेज को ऊपर कर लेते हैं। देखिए स्पीड आधा हो चुका है। अगर आप टोटली इसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले जाइए और ऑपोसिटी को ज़ीरो कर दीजिए तो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक हो चुका है। तो अभी आप अगर चाहते हैं कि इसको फिर से एक्सेस देने के लिए तो इसको ऑपोसिटी को फुल कर दीजिए तो फुल एक्सेस मिल जाते हैं। तो ऐसे आप किसी भी यूज़र को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और प्ले स्टोर ओपन करके ऊपर टाइप करते हैं नेटकट। तो नेटकट लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन पे जो एप्लीकेशन दिखाई देगा सीजर के तरह, यही है नेटकट। तो इसको आप ओपन कीजिए, ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मैं सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे इसका इंटरफेस है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कंप्यूटर पे आपने देखा था।
कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना डिवाइस आपका आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है सारा डिवाइस यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप किसी भी डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ऑपेसिटी है, इसको कम कर दीजिए तो वो इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा उस डिवाइस पे। और इसका जो ऑप्शन है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो पेज को ऊपर कीजिए तो सबसे ऊपर आपको वो डिवाइस दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं वो रिड्यूस स्पीड में इंटरनेट एक्सेस कर पाए तो आप इसकी ऑपेसिटी आधा कर दीजिए तो वो आधे स्पीड में इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। नहीं तो आप इसे फुल कर सकते हैं, मैं इसको फुल कर देता हूँ तो इससे फुल स्पीड में वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। इससे आप बड़े ही आसानी से किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका मिसयूज़ मत कीजिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ रोजाना ऐसा टेक वीडियो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।